सब्सक्राइब करें कुक विद सोफिया को और बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको बिल्कुल नई तरह के आटे से बने नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि हमारे घर में आसानी से मौजूद रहने वाले सामग्री से बन जाती है और काफी ज्यादा क्रिस्पी तैयार होती है। तो आइए इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है और ये 200 ग्राम है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई धनिया, जो कि मैंने दरदरा कूट लिया था। और ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल, जो कि हम मोयन के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल 2 बड़े चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंधेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डो हमारा तैयार हो गया है। ये ना तो ज़्यादा सख्त है ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है। तो डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक छोड़ देंगे, तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो मैंने एक पैन को गैस पे रखा है, वो हल्का गर्म हुआ तभी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, जो कि बारीक कटा हुआ लिया है मैंने, जो कि 2 टेबल स्पून है। अच्छे से थोड़ा सा चलाते हुए इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से चला लेंगे फिर से। और इसके साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पे अगेन 1 टीस्पून ली है, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए। तो कुछ देर इसे चलाने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो मीडियम वाले ग्रेटर से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और ये कच्चा आलू है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो हमने कूट कर धनिया रखा हुआ था, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। और रेड चिली फ्लेक्स भी 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे धनिया पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कूटे हुए से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब, अच्छे से चला लेंगे। और अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। इसी तरह से फ्लेम को लो पे रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे। तो बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने इसे लिया है 1/2 कप। अच्छे से मिक्स कर लें इसे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार और इसे मसल लेंगे हाथों से। तो देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा मसल के तैयार कर लिया है। अब इसकी गोलियाँ बनाएंगे छोटी छोटी सी, यानी कि लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं। अब हाथों के बीच इस तरह से रख कर घुमाएँगे इन्हें और एक पेड़े का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसे बेलेंगे। तो हमें रोटी की तरह ही इसे बेल लेना है, बट याद रखें इसमें सूखा आटा यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है, ज़्यादा मोटा या पतला ना रखें। तो अब इसके बीच 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। तो इसे लंबाई में थोड़ा सा फैला लेंगे और चारों तरफ इसके पानी लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक पाए जब हम इसे फोल्ड करें, ये खुले नहीं तेल में।
तो चारों तरफ पानी लगा दिया है मैंने। अब दोनों किनारों से उठाएंगे थोड़ा थोड़ा सा और इस तरह से रख देंगे बीच में। अब फिर से इसमें पानी लगा लेंगे हम ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से चिपक जाए और खुलने का कोई डर ना हो। उसके बाद हम इस तरह से उठा के इसे रोल कर लेंगे। तो इस तरह से रोल करते हुए हमें इसे एक सिलेंडर का शेप दे देना है। तो आपको मैं पास से दिखा देती हूँ थोड़ा क्लोज़अप से। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से रोल मैंने कर लिया है इसका। इसी तरह से चलिए सभी को बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी को तैयार कर लिया है बेलकर और बहुत अच्छा सा शेप आया है इसका। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, तो तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही हम कढ़ाई में तेल डालेंगे वैसे ही हम इसे डाल देंगे जितने भी हमने रोल बनाकर तैयार किए हुए हैं। और इन सभी को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर ऊपर से सिर्फ जल जाएंगे और अच्छा शेप भी नहीं आएगा और क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे क्योंकि हम इसे आटे से बना रहे हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो लगभग 10 मिनट लगे हैं इन्हें अच्छे से फ्राई होने में, कुरकुरे बनने में। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो एक बार में ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है, ज़्यादा तेल है तब। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका लुक आया है, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो चलिए इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेते हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी आटे का क्रिस्पी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलती हूँ गाइज़, यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।